नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को ना अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिन से रिलेटेड। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद दी जाने वाली मेडिसिन के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ट्रांसप्लांट एक ना बहुत जटिल प्रक्रिया है और जो किडनी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है उसको हम फॉरेन ऑर्गन मानते हैं और हमारी बॉडी उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। हमारा जो इम्यूनो सिस्टम होता है वो उसको हर टाइम रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। और दोस्तों, इस रिजेक्शन को रोकने के लिए हमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन दी जाती है जो कि हमारे इम्यूनो सिस्टम को दबाती है जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो अच्छे से काम करती रहे, उस पर किसी तरह का कोई दबाव ना आए। तो दोस्तों, वह कौन कौन सी मेडिसिन है इसकी अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो है हमारा सुट्राइड, जो कि हमें प्रेडनिसोल या फिर बाइसोलोन के नाम से दिया जाता है। यह लाइफ टाइम तक चलने वाली मेडिसिन है और स्टार्टिंग के अंदर इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता ना तो इसकी डोज डॉक्टर कम कर देते हैं। दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इन मेडिसिनों के कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो है हमारी टैक्रोलिमस। यह जो मेडिसिन है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह हमारे इम्यूनो सिस्टम को दबाने का काम करती है। दोस्तों, इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो है साइक्लोस्पोरिन यह भी हमारी टैक्रोलिमस मेडिसिन की तरह ही काम करती है जो कि हमारे इम्यूनो सिस्टम को दबाती है और जिससे कि हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो अच्छे से काम करती रहे। दोस्तों, इसके अलावा जो फोर्थ मेडिसिन है हमारी वो है माइकोफिलेट मोफ्टेल, यह भी इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है। दोस्तों, इसके अलावा जो फिफ्थ मेडिसिन है हमारी वो है एजरान, जो कि एजरोथ्रोपिन नाम के साल्ट के साथ आती है उससे बिलोंग। और दोस्तों, ये जो सभी मेडिसिन है ये इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह लाइफ टाइम तक चलने वाली मेडिसिन है। जब तक हमारी जो ट्रांसप्लांट किडनी है वो काम करती रहेगी जब तक ये मेडिसिन आपकी चलती रहेगी। दोस्तों, इसके अलावा ना इन मेडिसिनों के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि सर दर्द रहना, जी मचलाना, पेट से रिलेटेड समस्या पैदा होना, नींद ना आना, सांस फूलना। दोस्तों, इसके अलावा अब ये जो मेडिसिन है आपके जो बीपी है उसको इंक्रीज कर सकती है, साथ में आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको बढ़ा सकती है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इन मेडिसिनों के। दोस्तों, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं और इसी तरह के कोई भी साइड इफेक्ट अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो आप इनको इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से इनके बारे में बात करें और इनका जो सलूशन है वो ज़रूर करें। तो दोस्तों, वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं और जल्द ही एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। और तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।